स्टूडेंट्स, इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एक प्लेन की इक्वेशन फाइंड करने बताई थी, बट उसमें वही वन मेथड मैंने डिस्कस किया था आपसे। वो मेथड क्या था कि इक्वेशन आप प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म, उसी से रिलेटेड एक और टॉपिक मुझे पढ़ना है, तो है क्या, पहले आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। इट मीन्स हम लोगों ने कल जो स्टडी किया था इसके जस्ट प्रीवियस वीडियो में, एन कैप इज इक्वल टू डी, ये नॉर्मल फॉर्म में प्लेन की इक्वेशन होती थी। डी क्या होता था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता था फ्रॉम ओरिजिन टू प्लेन। तो मैंने क्या किया, देखो यहां ये एक प्लेन बना दिया, ओके ये। अब इसी प्लेन पर कोई पॉइंट मैंने ले लिया ये पी, लेकिन वो पॉइंट कैसा है, ये आपका है सेंटर ओ, दिस पॉइंट हियर ओ, और यहां मैंने इस पॉइंट से सेंटर से इस प्लेन पर परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, तो ये हो गया, सब कुछ करो कि ये है परपेंडिकुलर आपका, क्लियर। दिस पॉइंट हियर एन, ये ओ एन जो होता था परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये है आपका प्लेन, और इस ओ एन वेक्टर को हमने नाम दिया था एन वेक्टर। इसका क्या फाइंड किया, यहां आर के साथ मल्टीप्लाई करके ले लिया, लेकिन डी क्या था, ओ एन इज इक्वल टू हियर डी, ये डिस्टेंस थी डी। तो मैंने कहा था कि इससे रिलेटिव, ये कल मैंने क्वेश्चन बता दिया था, इससे रिलेटिव एक चीज और पता करनी, क्या ये जो एन है, यानी सेंटर से जो प्लेन पर मैंने परपेंडिकुलर ड्रा किया, तो कहीं ना कहीं जो इंटरसेप्ट करेगा उस प्लेन को, तभी तो परपेंडिकुलर ड्रा होगा। तो एन जो हो गया, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर हो गया, क्या हो गया, एन पॉइंट क्या है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑन दिस प्लेन। हमें इसी एन का कोऑर्डिनेट पता करना है, ये पॉइंट आपको, यानी कल जो मैंने बताया आपको इसके जस्ट वीडियो में, उससे रिलेटिव ये क्वेश्चन है आपका। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है समझ लो, पहले कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ट्रायंगल फ्रॉम द ओरिजिन 0,0 टू द प्लेन ऑफ दिस इज, मैं फॉर्मूला डायरेक्ट लिख रहा हूं इज, बट यहां ए बी सी क्या है, ये डायरेक्शन रेशियो ऑफ दिस प्लेन, और डी1 क्या है, कोई कांस्टेंट वैल्यू। अभी मैं एग्जांपल के लिए बता, तो यहां लिखोगे फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ एन, यानी यही है फुट ऑफ परपेंडिकुलर, क्योंकि मैंने इसी लाइन से इस प्लेन पर परपेंडिकुलर ड्रा किया। देखो यहां एल डी एन डी एन डी, अब आपके दिमाग में आएगा सर एल एम डी क्या है, वो आपके प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं, लेकिन यहां लिख दे रहा हूं, वेयर एल एम एंड एन आर डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ प्लेन, इस प्लेन को वन मैंने मान लिया, ऑफ प्लेन गिवन प्लेन लिख दो, ठीक है, एंड डी हियर दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू प्लेन, ठीक। अब एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, जैसे मैंने लिखा 2x प्लस 3y प्लस 4y इज इक्वल टू सेम, ये मैंने क्वेश्चन लिया, ये प्लेन, और ये प्लेन के क्वेश्चन मैंने मान लिया, पता क्या करना है, कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, यानी जब हम ओरिजिन से इस प्लेन पर परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, तो जहां वो इंटरसेप्ट कर रहा है उसी को हम फुट ऑफ परपेंडिकुलर कहते हैं, उसी का कोऑर्डिनेट पता करना है। तो स्टूडेंट्स, आपको इसकी प्रीवियस वीडियो मैंने बताया कि 2, 3, 4 अगर इस फॉर्मेट में प्लेन के क्वेश्चन लिखा हो कार्टेशियन फॉर्मेट में, तो एक्स वाई जेड के जो कंपोनेंट होते हैं वो डायरेक्शन रेशियो कहलाते हैं, तो डायरेक्शन कोसाइन पहले फाइंड कर लो। तो यहां क्या होगा, डायरेक्शन कोसाइन कैसे फाइंड कर रहे हैं, पहले आप रफली थोड़ा वर्क करते हैं, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एन प्लस 4 स्क्वायर देन 4 9 एंड 16 कितना हो गया 29। अब आप इस प्लेन की इक्वेशन को रूट 29 से डिवाइड करोगे, देन 2 अपॉन रूट 29 एक्स प्लस 3 अपॉन रूट 29 वाई प्लस 4 अपॉन रूट 29 जेड इज इक्वल टू 7 अपॉन रूट 29, देन दिस हियर कॉल्ड एल एंड दिस हियर कॉल्ड एम एंड दिस हियर कॉल्ड एन, ये आपका हो गया एल, ये हो गया आपका एम, और ये हो गया आपका एन, और ये जो आया वो क्या हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी। तो यहां आप लिखोगे कोऑर्डिनेट फुट ऑफ, मैं इसके लिए बात कर रहा हूं फुट ऑफ परपेंडिकुलर, यानी कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर
इज क्या लिखो एल इंटू डी फॉर्मूला जो है मैंने यहां लिखा एल डी एम डी एन डी क्लियर सॉल्व करो इसको एल एम डी दिस मल्टीप्लाई 7 टू द 14 14 अपॉन रूट 29 टू रूट 29 मीन्स 29 एम क्या था 3 7 जो 21 अपॉन 29 एंड 4 अपॉन रूट 29 एंड 7 इट मीन्स 28 अपॉन 29 ये होगी आपका आंसर स्टूडेंट्स इस फॉर्मूले में सिर्फ एक ही क्वेश्चन 11.3 में दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4 तो आइए सॉल्व कर लेते हैं देख लेते हैं इन द फॉलोइंग केस फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ट्रंक फ्रॉम द ओरिजिन ओके और सब प्लेन के क्वेश्चन दिए गए और किस फॉर्मेट में है ये सब कार्टेशियन फॉर्मेट में तो देखो क्वेश्चन नंबर ए फोर्थ ए पार्ट बी सी डी तो देखो ए एंड सी ये दोनों सेम है तो इन दोनों में से एक बता रहा हूं अभी एग्जांपल ही बता दिया सॉल्व कर सकते हो लेकिन चलो फिर भी बता दे रहा हूं आपको ए में बता दे तो 2x + 3y + 4z - 12 = 0 सबसे पहला का काम क्या करना है आपको जो कांस्टेंट टर्म हो उसको राइट हैंड में लेना है दिस इज 12 माइनस 12 तो उस साइड में ले जाओगे तो क्या हो जाएगा 2x + 3y + 4z is equal to 12 2 3 4 ये कैसे हो गए डायरेक्शन रेशियो हो गए इसको पहले डायरेक्शन कोसाइन के फॉर्मेट में चेंज करना है तो स्टूडेंट्स इसका मेथड मैंने क्या बताया 2 स्क्वायर x के कंपोनेंट स्क्वायर करो y के कोफिशिएंट स्क्वायर करो और z के कोफिशिएंट स्क्वायर 2 2 जा 4 9 एंड 16 16 4 20 एंड 9 29 29 से हमें डिवाइड करना है क्लियर यानी ये जो इस इक्वेशन को 29 से डिवाइड करना है then 2 upon root 29 x plus 3 upon root 29 y and plus 4 upon root 29 z is equal to 12 upon root 29 ये आपका क्या हो गया l हो गया ये क्या हो गया m हो गया ये क्या हो गया n हो गया और ये d अब l x plus m y plus n z is equal to d This year one. Compare here one and two. Here comparing one and two. So यहाँ क्या मिल जाएगा? L is equal to this two upon root 29. M is equal to three upon root 29. And N is equal to four upon root 29. And D is equal to here 12 upon root 29. अब डायरेक्ट सीधा लिखो क्या? लिखोगे क्वाड्रेंट ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन ठीक सीधा फॉर्मूला लिखो इज एल डी प्लस एम डी प्लस एन डी L की वैल्यू मैंने यहां बता दी D की वैल्यू यहां बता दी 12 2 जा 24 अपॉन 29 12 3 जा 36 अपॉन 29 एंड 12 4 जा 48 अपॉन 29 क्लियर सेम इज सॉल्व हियर C पार्ट B और D को देख लेते हैं B एंड D क्योंकि A बता दिया सेम इज सॉल्व हियर C B पार्ट क्या 3y + 4z - 6 = 0 ओके तो चलो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को किस फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे कार्टेशियन फॉर्मेट में देन दिस इज x का कोएफिशिएंट यहां क्या होगा जब x नहीं लिखा हुआ है तो 0 होगा n + 3y + 4z और 6 को कहां हम ले जाएंगे राइट हैंड साइड में दिस इक्वल टू 6 अब हमें क्या करना है यहां x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर करना है y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर करना है और जेड की कोफिशिएंट का स्क्वायर करना और उनको ऐड करो 3 3 इज 9 एंड 4 4 इज 16 तो 16 एंड 9 कितना आ जाएगा 25 सो ओनली हियर 5 क्योंकि 25 का क्या लिखोगे स्क्वायर रूट निकालोगे ओनली 5 आएगा इसलिए मैंने यहां 5 लिख दिया अब दूसरा काम भी करना है ये जो नंबर्स आते हैं उसी से हम इसको डिवाइड कर देंगे इसको डैश एंड कोसाइन के फॉर्मेट में चेंज कर देंगे सो नाउ हियर 0 अपॉन 5 x प्लस 3 upon 5 y plus 4 upon 5 z is equal to 6 upon 5 this here first इसको कंपेयर कैसे करना है lx
plus my plus nz is equal to here b. This is your second. फिर compare करोगे l की value क्या मिल जाएगी, ये हो जाएगी l की value हो जाएगी, ये किसकी value हो जाएगी, m की value हो जाएगी, और ये किसकी value हो जाएगी, n की value हो जाएगी, और d की value क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी. तो सेम ही सब ऐसे सॉल्व कर सकते हो, बिकॉज जानते हो perpendicular जो फुट आप perpendicular पॉइंट लिखा जाता है किस फॉर्मूले को फॉलो किया जाता है, एल डी एम डी एंड एन डी. अब यहां मैंने लैंग्वेज नहीं लिखा, डायरेक्ट मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूं. एल इंटू डी तो जीरो बाई फाइव इतने जीरो, ये तो पूरा जीरो आ गया. दूसरा एम थ्री बाई फाइव एम डी सिक्स थ्री से एट्टीन, एट्टीन अपॉन ट्वेंटी फाइव, सिक्स फोर से ट्वेंटी फोर अपॉन ट्वेंटी फाइव. डी आप सबको भी देख लेते हैं. ओके तो देखो डी में क्या है, 5 5 प्लस 8 इक्वल 0. इसको भी सबसे पहले एक्स वाई जेड कंपोनेंट में लिखो, तो क्या लिखोगे, एक्स 0 एक्स इनटू 0 प्लस 5 वाई प्लस 0 इनटू जेड इज इक्वल टू माइनस 8. तो स्टूडेंट्स मैंने कहा सबसे पहले जो कांस्टेंट है उसको उधर ले जाओ, इफ यू आर नेगेटिव देन मल्टीप्लाई बाय माइनस, इसको पॉजिटिव करना. तो माइनस से आपने मल्टीप्लाई किया तो आपका आ जाएगा 0x माइनस 5y प्लस 0z इज इक्वल टू 8. अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर यहां पे नेगेटिव होगा यहां पे नेगेटिव होगा, बट ये जीरो कोएफिशिएंट, तो जीरो के लिए नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ना तो वो जीरो नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव, इसलिए मैंने वहां नहीं लगाया. तो ये अभी डायरेक्शन रेशियो को बता रहा है. अब डायरेक्शन कोसाइन में कन्वर्ट करना है तो आप लोग जीरो स्क्वायर कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर तो माइनस 5 का स्क्वायर करोगे क्या आएगा 25 एंड स्क्वायर ऑफ z कोएफिशिएंट सो जीरो स्क्वायर तो क्या मिलेगा ओनली 5 ही तो आएगा. अब 5 से इसको डिवाइड कर दो सो नाउ 0 बाई 5 एक्स तो ये क्या आएगा पूरा जीरो ही आएगा एंड माइनस 5 बाई 5 वाई एंड प्लस 0 अपॉन 5 जेड इज इक्वल टू 8 अपॉन 5. इट मीन्स ये आपका क्या हो गया, ये तो पूरा जीरो हो जाएगा. इट मीन्स 0 एक्स माइनस वाई एन प्लस जीरो जेड इज इक्वल टू 8 बाई 5. ये आपका हो गया एल और ये यहां क्या आएगा माइनस वन तो एल इज इक्वल टू 1 हो गया एन इज इक्वल टू माइनस 1 हो गया एंड एन इक्वल 0 एंड डी इक्वल 8 बाई 5. अब सीधा आंसर लिख दो आप क्या लिख दो एल डी एम डी एंड एन डी तो एल इंटू डी क्या आ जाएगा 8 बाई 5 और सॉरी एल यहां क्या था जीरो था वन नहीं था एक्स कोएफिशिएंट क्या है जीरो तो जीरो इनटू दिस पूरा क्या आ जाएगा जीरो आ जाएगा एम माइनस वन था तो ये हो जाएगा माइनस 8 बाई 5 और एन जीरो क्लियर तो ये आंसर आपका आ जाएगा. तो इस तरह से आपका एक्सरसाइज फिनिश होगा.